सो द बेस्ट प्रोफेशनल एंड गेमिंग लैपटॉप्स इन 2022। इस वीडियो का जो फोकस है वो लैपटॉप के कुछ मेन फैक्टर्स पे रहेगा, लाइक प्रोडक्टिविटी, बिल्ड क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लैपटॉप्स। और इस वीडियो के अंदर मैंने प्राइस फैक्टर को थोड़ा साइड पे कर दिया है। सिर्फ i3, i5 और i7 के एकदम जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं 12 जनरेशन वाले, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। और मैंने बहुत से 12 जनरेशन वाले प्रोसेसर्स को छोड़ा भी है। और जितने भी लैपटॉप्स या फिर प्रोसेसर्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, वो भी मैं साथ साथ में बताता रहूंगा, ताकि आप कोई गलत लैपटॉप ना परचेज कर लो। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला i3 12 जनरेशन प्रोसेसर लैपटॉप है Asus Fabebook 15। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले के साथ आता है लैपटॉप। 200 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। प्राइस अराउंड 48,000 रुपीज है। लेटेस्ट इंटेल कोर i3 12 जनरेशन 1220p प्रोसेसर है, जिसमें 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स हैं। बेस क्लॉक्स 1.5 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की। अब देखो, इसी प्राइस रेंज में आपको 1215U प्रोसेसर भी मिल जाता है, लेकिन उसे मैं रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज़ 1220P प्रोसेसर की परफॉर्मेंस U प्रोसेसर से काफी ज्यादा बेटर है। पहले तो वो 6 कोर्स वाला प्रोसेसर है एंड दोनों की क्लॉक स्पीड में भी काफी डिफरेंस है, तो आप सभी ने भी 1220P प्रोसेसर प्रेफर करना है इन दिस बजट। Asus के इस लैपटॉप में 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8GB DDR4 RAM दी गई है। लैपटॉप की RAM एक्सपेंडेबल भी है, 12GB तक हम इसकी RAM को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB की M.2 NVMe SSD है एंड साथ ही में इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। इंटेल के USD ग्राफिक्स और विंडोज 11 के साथ MS ऑफिस 2021 प्री इंस्टॉल मिलते हैं एंड दोनों ही चीजें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आती हैं। वाईफाई 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं लैपटॉप के अंदर एंड बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया दिया गया इसका। अराउंड 4 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप में इजिली मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया दिखता है लैपटॉप। 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। ऑल इन ऑल वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है विद लेटेस्ट i3 12 जनरेशन प्रोसेसर। इस पे कोई भी काम कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी, प्रोग्रामिंग, ट्रेडिंग, यहाँ तक कि 1080p वीडियोस की एडिटिंग भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रैम इंक्रीज करनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक इट आउट। देखो, अब जो नेक्स्ट रेंज है उसके अंदर मैंने कोई एक लैपटॉप नहीं कवर किया, बल्कि i5 12 जनरेशन के 14 इंचेस का लैपटॉप, देन 15 इंचेस का लैपटॉप और i5 का गेमिंग लैपटॉप भी कवर किया है। HP Pavilion 14 बहुत ही बढ़िया सीरीज है एंड पर्सनली मैं बहुत टाइम से HP के लैपटॉप्स को यूज कर रहा हूँ। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इन सभी का। लैपटॉप में 14 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC। Pavilion का करंट प्राइस 63,000 रुपीज है। इंटेल का लेटेस्ट i5 12 जनरेशन 1235U प्रोसेसर है, 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.4 गीगाहर्ट्ज की। देखो, टोटल रैम की हमें दो स्लॉट्स मिलती है, वन इज ऑक्युपाइड विद 8GB ऑफ रैम 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, लेकिन टोटल हम इसमें 16GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB की M.2 NVMe SSD लैपटॉप में स्टोरेज को भी एक्सपेंड किया जा सकता है, सो रैम प्लस स्टोरेज बोथ आर एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, विंडोज 11 एंड ऑफिस 2021 दोनों ही लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आते हैं। सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं लैपटॉप में, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड वाईफाई 6, USB टाइप ए टाइप सी, अराउंड 6-7 घंटे का बैटरी बैकअप और सिर्फ 1400 ग्राम वजन है इस लैपटॉप का। इट इज वेरी लाइट वेट एंड ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू कैरी, आप इसे कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड है, रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है, 50% बैटरी सिर्फ 40-45 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। ऑल इन ऑल 14 इंचेस में सबसे बेस्ट लैपटॉप अगर कोई है, देन वो HP Pavilion 14 है। इस बजट में इससे बढ़िया दूसरा कोई भी लैपटॉप नहीं है। एक और चीज है, देखो बिल्कुल ही डिटो स्पेसिफिकेशंस में अगर आपको 16GB की रैम चाहिए, देन इसी लैपटॉप का दूसरा वेरिएंट भी अवेलेबल है, जिसमें हमें बाकी सब कुछ सेम टू सेम दिया गया है, बस उसमें 16GB की रैम है। वहीं उसका प्राइस फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लाइक 68,000 रुपीज उसका करंट प्राइस है। मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों ही लैपटॉप्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आपने अगर 8GB वाला लेना है तो उसे बाय कर लेना, अगर आपको 16GB वाला चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। अगला भी लैपटॉप HP का है, लेकिन ये 15 इंचेस वाला मॉडल है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल सा है। करंटली अराउंड 57,000 में ये लैपटॉप सेल हो रहा है। फुल साइज डिस्प्ले 15.6 इंचेस की, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर विद 250 निट्स एंड लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो 12 जनरेशन वाला तो है, लेकिन इसका जो वर्जन है वो पिछले वाले लैपटॉप से भी बेटर है। 1240p प्रोसेसर है, 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये, एंड इसकी अगर रैम एंड स्टोरेज को चेक करें देन वो दोनों बिल्कुल ही सेम है जैसा कि लास्ट लैपटॉप की थी। लाइक पहले तो हमें 8GB की DDR4 रैम मिलती है प्री इंस्टॉल 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, लेकिन लैपटॉप में टोटल दो स्लॉट्स होने के कारण रैम इसकी एक्सपेंडेबल है। 16GB तक इसकी रैम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्टोरेज तो 512GB की M.2 NVMe SSD है लैपटॉप में, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, विंडोज 11 एंड ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आते हैं। डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, USB टाइप ए टाइप सी की ऑप्शन मिल जाती है एंड इसी के साथ में बाकी सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट भी है। देखो, 50% बैटरी अराउंड 40-45 मिनट्स में इसकी भी चार्ज हो जाती है
और इसमें भी हमें बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स अलेक्सा, जिससे हम लैपटॉप को वॉइस कमांड्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो जिसे भी 15 इंच के साइज में यानी कि फुल साइज डिस्प्ले में बेस्ट 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर चाहिए, देन इट इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर यू गाइस। जरूर जरूर कंसिडर करो इसे आप, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है ये। और बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशंस में ASUS का लैपटॉप भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं ऐड कर दूंगा, चाहे आप उसे भी कंसीडर कर लेना। दोनों ही लैपटॉप्स में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों लैपटॉप स्पेसिफिकेशन वाइज ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट i5 गेमिंग लैपटॉप। अब जो गेमिंग लैपटॉप है उसमें P सीरीज को मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो गेमिंग के टाइम पे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। वहाँ पे आपको H सीरीज का प्रोसेसर लेना चाहिए। Acer Nitro 5 वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है ये, प्राइस अराउंड 79,000 रुपीस है। लैपटॉप में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले दी गई है। इंटेल का लेटेस्ट 12 जनरेशन प्रोसेसर है i5-12500H। ये 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर की बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली 8GB रैम, इसे हम 32GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 512GB की M.2 NVMe SSD मिलती है। इसमें एक एक्स्ट्रा रैम स्लॉट एंड 1 M.2 NVMe SSD स्लॉट दी गई है, जिससे ये रैम के साथ स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल हो जाती है। सो बेसिकली ये भी टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है लैपटॉप में, NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6। कोई भी ऐसी गेम या फिर आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस लैपटॉप पे आप नहीं कर सकते। GPU एकदम ही पावरफुल है, परफॉर्मेंस आपको एकदम बेस्ट मिलने वाली है। विंडोज 11, वाईफाई 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, ईथरनेट पोर्ट, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, USB टाइप ए, टाइप सी। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको सारी चीजें दी गई हैं। 4 zone RGB backlit keyboard है लैपटॉप में, फुल साइज अलॉन्ग विद numpad। सो ऑल इन ऑल बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है, आप इसे आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। i7 का प्रोफेशनल लैपटॉप 14 इंचेस में, HP का पवेलियन सीरीज का HP पवेलियन प्लस। लैपटॉप का प्राइस अराउंड 90,000 रुपीज है। लैपटॉप में 14 इंचेस की 2.8K OLED डिस्प्ले दी गई है। 90Hz का रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है लैपटॉप में। देखो ऐसा है कि डिस्प्ले के मामले में ये मशीन वन ऑफ द बेस्ट है। लैपटॉप में H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, ऊपर से इंटेल कोर i7 12700H, 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, एकदम ही बीस्ट। 4.7 GHz मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, 24 MB L3 कैशे मेमोरी, अभी तक का ये सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। एंड ये जो लैपटॉप है ना, ये मैक्सिमम 16GB तक की रैम को सपोर्ट करता है, और इसमें हमें वो पहले से ही दी गई है। 3200 MHz वाली DDR4 रैम 16GB की, एंड लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन स्टोरेज को एक्सपेंड करने का ऑप्शन दिया गया है। पहले से ही हमें 1TB की M.2 NVMe SSD दी गई है लैपटॉप में, विच इज एक्सपेंडेबल। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स, लैपटॉप में विंडोज 11 के साथ ही MS ऑफिस भी दिया गया है 2021, एकदम ही लेटेस्ट एंड विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। ऊपर से लैपटॉप सुपर लाइट वेट है ये भी, इट ऑल्सो वेट्स ओनली 1400 grams। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 6 hours। आफ्टर दैट लैपटॉप में एडिशनल फीचर्स की बात करें तो रैपिड फास्ट चार्जिंग को ये लैपटॉप भी सपोर्ट करता है। वही सेम 50% बैटरी आपकी 40-45 minutes में चार्ज हो जाएगी। बिल्ट इन अलेक्सा की हेल्प से हम लैपटॉप को वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, ऐसा कोई भी प्रोफेशनल काम नहीं है जो इस लैपटॉप में हम नहीं कर सकते। एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है लैपटॉप में, एंड इससे पावरफुल दूसरा कोई प्रोसेसर नहीं है। बिंदास होकर आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। लैपटॉप का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक चीज है, देखो प्रोफेशनल लैपटॉप अगर आपको 15 इंच के स्क्रीन साइज में चाहिए तो HP पवेलियन का आप ये वाला मॉडल कंसीडर कर सकते हो। ये 12 जनरेशन i7 1260p प्रोसेसर के साथ आता है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस कंप्लीटली सेम है। तो आपके लिए इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूं। देखो i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर हमें 100,000 में भी मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर अपना फोकस बजट पे तो है ही नहीं, फोकस प्रोडक्टिविटी पे किया मैंने। तो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप i7 12 जनरेशन प्रोसेसर इज ASUS टफ गेमिंग F15। लैपटॉप का प्राइस अराउंड 1,30,000 रुपीज है। पहले तो इसमें जो डिस्प्ले मिलती है वो एक नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले से भी काफी बड़ी डिस्प्ले है। 17.3 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले है, एकदम ही बेस्ट विद 144Hz ऑफ रिफ्रेश रेट। इन सिंपल वर्ड्स प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है लैपटॉप की। इंटेल कोर i7 12700H प्रोसेसर है, सेम वही चीज है कि H सीरीज के प्रोसेसर लेना चाहिए अगर हमने हैवी टास्क करने अपने लैपटॉप पे। 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये, 24 MB L3 कैशे मेमोरी। लैपटॉप में 16GB की रैम मिलती है, प्री इंस्टॉल DDR5 4800 MHz वाली। अब तक के जितने भी लैपटॉप्स मैंने आपको बताए हैं ना, उनमें से सबसे पावरफुल रैम इस लैपटॉप की है। लैपटॉप के अंदर टोटल रैम स्लॉट्स हैं 2, इसकी रैम को हम 32GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। साथ ही में 1TB की SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्लॉट है SSD की एक्सपेंशन के लिए। एकदम ही बेस्ट GPU लैपटॉप में NVIDIA GeForce RTX 3060 विद 140W TGP। 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है ये, अब तक का सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड। साथ में विंडोज 11 एंड MS ऑफिस 2021, ये दोनों चीजें मिल जाती है हमें, एकदम ही लेटेस्ट एंड विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। RGB बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड लैपटॉप में, सभी पोर्ट्स दी गई है इसमें। तो ओवरऑल ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस लैपटॉप पे हम एकदम एफिशिएंटली नहीं कर सकते। बिल्कुल ही बिंदास होकर आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो।
ये सभी लैपटॉप्स चाहे i3, i5 और या फिर i7 सभी लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ एकदम जो सबसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप्स है ना, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी भी लैपटॉप को आप बाय कर लो। इन सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी सेम वीडियो में राइजन प्रोसेसर लैपटॉप बनाऊं तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की, देन वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पीस आउट।